कंगना के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। जगह जगह उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत के पुतले फूके जा रहे हैं। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, गाली का इस्तेमाल करने वाले संजय राउत पर कोई एक्शन नहीं, जबकि तू तड़ाक पर कंगना के खिलाफ केस क्यों दर्ज हो गया। उधर अयोध्या का संत समाज भी कंगना के समर्थन में खड़ा हो गया। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलने के बाद से पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। चंडीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कंगना रनौत के समर्थन में तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार की अर्थी ही सजा दी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क घेर कर बैठ गए। पहले महाराष्ट्र सरकार की अर्थी सजाई और फिर बाकायदा अर्थी निकाली गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से निकाली गई महाराष्ट्र सरकार की इस शव यात्रा में बाकायदा सरकार के पुतले को कंधा दिया गया। आग लेकर एक कार्यकर्ता आगे चल रहा था तो वहीं एक कार्यकर्ता के हाथ में खड़ा था। रास्ते भर नारेबाजी हो रही थी। शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर यूथ मोर्चा सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार को चेताया। इस बात पर आक्रोश जताया कि संजय राउत ने कंगना को गाली दी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कंगना के तू तड़ाक पर केस क्यों दर्ज किया गया। कंगना रनौत कह रही थी कि ड्रग माफिया जो इस समय बॉलीवुड पे हावी हुआ पड़ा है उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसने की बजाय महाराष्ट्र सरकार ने सीधे तौर पर कंगना रनौत से बदला लेने का काम किया। 24 घंटे का नोटिस देकर महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, उसका ऑफिस तोड़ दिया। बताइए किस तरह का शिष्टाचार है, किस तरह का लोकतंत्र है। और ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां लोगों का हुजूम कंगना रनौत के समर्थन में आ जुटा है। कई सामाजिक संगठन एक साथ आए और जयपुर के वैशाली नगर में इन लोगों ने महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र सरकार को, संजय राउत को, वहां की पुलिस को खुला चैलेंज है कि कंगना की तरफ घूर कर हाथ उठाओगे, भारतीय नारी का अपमान करोगे तो आंखें निकाल लेंगे। प्रदर्शनकारियों के भीतर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इन लोगों ने कंगना का पोस्टर लेकर जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। बहुत देर तक इन लोगों ने इसी तरह नारेबाजी की। उसके बाद सामाजिक संगठनों ने संजय राउत के पुतले को आग के हवाले कर दिया। उधर हिमाचल बीजेपी पूरी तरह कंगना रनौत के साथ आ चुकी है। कल शिमला में बीजेपी ने कंगना के समर्थन में रैली निकाली थी तो आज बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के एक्शन को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। पूरे प्रदेश भर में इसी प्रकार का हस्ताक्षर अभियान कंगना रनौत जी को लेकर और उनके पक्ष में हम करेंगे। पूरा हिमाचल प्रदेश आज कंगना रनौत के साथ खड़ा है।
हम उनके खिलाफ जो कार्रवाई वहां की शिवसेना कांग्रेस सरकार ने की है उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। शिवसेना पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधर अयोध्या में साधु संत भी कंगना के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। संत समाज उद्धव ठाकरे पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। मुर्दाबाद, उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद। जो लोग आवाज उठाए उनकी हत्या, जो लोग बोले उसके ऊपर प्रहार, जो लोग बात करे उसकी घर गिरा देना, इस प्रकार द्वेष, इस प्रकार हीन भावना, ये लगातार अब मुझको लगता है कि रावण के रूप में, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार राक्षसों की उत्पत्ति भगवान राम के समय में भी रहा है, हमको लगता है अब उस भूमिका में शिवसेना आ गई है, सोनिया सेना हो गई, सौ सेना हो गई, और लगातार जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उसके ऊपर लगातार प्रहार शिवसेना कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में युवाओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पुतले को साड़ी और चूड़ियां पहनाकर पुतलों का दहन किया। वाराणसी में युवाओं ने जगह जगह पोस्टर चिपकाए, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को कृष्ण, कंगना को द्रौपदी और शिवसेना को कौरवों के रूप में दिखाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में करनी सेना ने शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऊना में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। उधर उत्तराखंड के विकास नगर में युवा हिमजन कल्याण सभा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंगना रनौत के समर्थन और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर भी कंगना के समर्थन में लाखों लोग आ चुके हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, विकास नगर से टीना साहू के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।